चेन्नई फिर जीतेगी आईपीएल 2022 का खिताब। ऋतुराज गायकवाड़ का गोल्डन फॉर्म जारी। विजय हजारे में ठोकर लगातार दूसरे तक। क्या दक्षिण अफ्रीका सीरीज में मिलेगा टिकट? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसके स्पोर्ट्स की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक बार 2022 में फिर से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम खिताब जीत सकती है। जी हां दोस्तों, क्या है पूरी खबर सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप भी ऋतुराज गायकवाड़ को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो पर मात्र 200 लाइक्स का टारगेट रखा गया है, जिसे आप सब मिलकर पूरा कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं बिना वक्त गवाए इस वीडियो की ओर। दोस्तों विजय हजारे ट्रॉफी के ग्रुप डी मैच में गुरुवार को महाराष्ट्र ने छत्तीसगढ़ को 8 विकेट से हराया। महाराष्ट्र के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ लगातार दूसरे मुकाबले में शतक जड़ा। इससे पहले ऋतुराज ने बुधवार को मध्य प्रदेश के खिलाफ 136 बनाए थे। आज भी उनका गोल्डन फॉर्म जारी रहा है और उन्होंने नाबाद 143 गेंदों में 154 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। इसके चलते महाराष्ट्र ने 3 ओवर शेष रहते 277 रन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। वहीं अपनी शानदार शतकीय पारी में 24 वर्षीय ऋतुराज 5 छक्के और 14 चौके लगाए। लक्ष्य का पीछा करने के दौरान उन्होंने काफी नियंत्रित पारी खेली। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाने का टिकट मिल सकता है या नहीं। गायकवाड़ को अपने सलामी जोड़ीदार यश नाहर 52 से भी कुछ समर्थन मिला। छत्तीसगढ़ के लेग स्पिनर शुभमन अग्रवाल ने अपने 6 ओवरों में 54 रन दिए। गायकवाड़ ने 105 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। तो दोस्तों इनकी इस फॉर्म को देखकर आप सभी को क्या लगता है, क्या सीएसके एक बार फिर से आईपीएल चैंपियन बनेगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।